हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय मांजा सिंह। देखिए, आज मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कल मेरे घर में भी गणपति बप्पा आए हैं तो थोड़ा सा प्रोग्राम रखा था, पूजे पाठ का, माता का भजन, मतलब हमेशा हर साल भजन रहता है और वो सब रहता है। तो कल बहुत अच्छा फंक्शन था हमारे इधर, सब कुछ काम बहुत अच्छे हो रहे थे, गणपति बप्पा का भजन बहुत अच्छा हुआ। हमारे बहुत अच्छे मित्र विनय मिश्रा, उनके साथ विभा और बंटी तिवारी, ये सब लोगों ने आके बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, बहुत अच्छा किया। मैं आज आपको एक पहले उपाय बताऊंगी कि बहुत सारे जनों के घर में ना लक्ष्मी नहीं टिकती है पैसों के लिए। तो मुझे कहा किसी की माँ, कुछ ऐसा टोटका बताओ कि पैसा है। देखो, पहली बात, कल मुझे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि हम लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करवानी है। एक कोई भरत भाई करके था गुजरात से, मैं यूट्यूब के जरिए बोलूँगी, फालतू मजाक नहीं करने का मेरे से। मुझे बोलते हैं कि पहले आप मुझे कुछ सिखाओ फिर मैं आपसे शक्ति लूँगा। पहली बात तो मैं खुला बोलती हूँ, देखो मैं दूसरे पंडित लोग के जैसी नहीं हूँ कि मैं टाइम पास करूँ या आप सोचो मैं ये इसको चलो ये करो ना, कहते ना किसी को ताव दिलाते हैं, हाँ तेरे अंदर दम नहीं है, हाँ मेरे अंदर दम नहीं है, जा बस तेरे अंदर दम है ना, तू अपना कर ले। मेरे को बोलते हैं अरे तू मुझे सिखाओ ये करो, अरे मैं क्यों सिखाऊँ, ये क्या सीखना सिखाना खाना पिलाना फालतू क्या मामूली बात होती है क्या। और फिर बाद में बंदा क्या बोलता है ना मुझे, बोलता है अरे आपको कभी मेरी ज़रूरत लगेगी तो बोलना। मतलब ये आई कोई बात समझ में नहीं आती, ये आदमी अपने आप पे ये घमंड क्यों करते हैं कि हम औरतें उनके भरोसे हैं। तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि कामाख्या इतनी बड़ी है, कामाख्या योनि दर्शन है, तुम सबकी पैदाइश वहीं से हुई है, जिस जगह तुम अपना जिस जगह तुम लोग अपना घुसाते हो ना वहीं से तुम लोग निकलते भी हो। तो हम अगर औरतें नहीं रहेंगी ना तो तुम्हारी पैदाइश मुश्किल है, समझ जाओ। हम भी अब घमंड नहीं करते, शिव बन सती ने सती में शिव नहीं, तो हम भी आदमी के बगैर कुछ नहीं। लेकिन ये तुम अपने अंदर से घमंड निकालना छोड़ दो कि तुम लोग हो तो हम औरतें, ऐसा नहीं है। ये जो मुझे बकवास करते हो ना, अरे कुछ जरूरत होगा, जब कहते ना महिषासुर का मर्दन करना था ना, महिषासुर का मर्दन, राक्षसों का मर्दन, तो भी देवताओं ने माँ को आह्वान किया था, शिव जी ने भी सती का मतलब कहते ना आह्वान किया था, माँ पार्वती को, दुर्गा देखो कहते ना महाकाली को आह्वान किया था कि आओ रण में उतरो और विजय प्राप्त करो। हमारे देश को चलाने वाली भी इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। बाकी देख रहे हो तुम्हारे जैसे तुम्हारे गांडा भाई लोग जो आए हैं, देखो देश को बर्बाद करके चले गए। बुरा नहीं मानना, जो है सो सच है। एक हमारे मोदी जी ने आके पूरा देश को ही डुबा दिया, उसके लिए मुझे उनको गाली देने की जरूरत नहीं भाई, लेकिन जो हम भोग रहे वो बता रही हूँ मैं। आए थे ना गुजरात में, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, रोड अच्छे बनाए, ये किए, लेकिन कहते ना छोटी सी मिठाई का डब्बा दिखा के उन्होंने पूरा कारखाना ही लूट लिया, ये हाल हो गया। क्या क्या हो गया पता है? देखो, पहली बार जीत के आए तो नोटबंदी कर दिया, दूसरी बार जीत के आए तो कोरोना कर दिया, तीसरी बार में पता चला कि पूरा देश खत्म। ये बात है भाई, इसके लिए अगर कोई किसी को बुरा लगा हो तो सहे दिल से सॉरी, क्योंकि भाई जो लग रहा है बोल रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में भाई साहब आपने जो आप लोगों के गुजरात वालों ने जो हरकत की है उसके लिए तो हम यही बोलेंगे, समझे, कोई भी किसी के भी जात का। लेकिन ये जो हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें नहीं आप गुजरातियों को ही हुआ है। क्योंकि देख रहे हैं क्या हो गया मालूम है, डायमंड मार्केट सब कुछ बॉम्बे से हट गया, ये भाई आपके ही लोगों ने किया। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो कल हमको ऐसा हरकत कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमको छेड़ोगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं, अगर हमको छेड़ोगे तो हम बोलेंगे, तो ये बात है। तो प्लीज़ ऐसा हरकत मत किया करो, काम करने का दम मुझ में है, आप में कराने का दम नहीं तो आगे मत बढ़ो, समझे, ये बात है। मैं काम करके दे सकती हूँ, लेकिन अगर फालतू बात की ना तो मैं काम बंद भी कर सकती हूँ। दूसरी बात, विद्या देवी को ना कभी किसी की ज़रूरत पड़ी है ना पड़ेगी। और ये जो मैं टोटका बताने वाली उसके पहले बोलूँगी, कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, मतलब समझो मेरा दिल खुश हो गया कल के दिन, मतलब बहुत अच्छा था माहौल। अभी मैं उसकी वीडियो डालूँगी, लेकिन बस फ़ोटोज़ की देखूँगी डालूँगी, क्योंकि ऐसी ज़रूरत तो नहीं है फ़ोटो की वीडियो डालने की, क्योंकि क्या है ना बहुत लोगों की नज़र लग जाती है। लेकिन तो भी मुझे कहा गया कि जो भी मेरे घर में आए थे उनको सबको गिफ्ट दिए गए हैं, तो उन्होंने बोला एक छोटी सी वीडियो डाल दो, तो देखेंगे, बना रहे वीडियो डालेंगे हम लोग। क्योंकि कल मैं पूरी तरह से मराठी बनके पूरी नथ वथ पहनी थी, देखिए हरी चूड़ियाँ पहनी थी, बहुत अच्छा, सब यही कह रहे थे कि आज आप प्रॉपर मराठी लग रहे हो। केशव के पापा भी बहुत खुश थे, और सबसे बड़ा अच्छा काम केशव के पापा ने किया कल, उन्होंने पूरा मेरी लाज रखी। मतलब पहली बार इतने सालों में पहली बार गणपति में ऐसा हुआ है कि पूरा परिवार सब परिवार मिल के, उन्होंने बहुत नाचे हैं, बहुत इंजॉय किया है, इतना नाचे कि शायद उन्होंने कभी इतना नाचे नहीं, इतने खुश थे।
मेरी बहन आई थी ब्यूटीफुल, उसको पकड़ के खींच खींच के नाच रहे थे, इतना इंजॉय किया है जो बोलने लायक नहीं है। बहुत अच्छा इंजॉय किया, मतलब मेरा ध्यान भी रख रहे थे। एक्चुअली कल क्या गिफ्ट देने के चक्कर में मैं दो बार गिरने से बची, वो मुझे पूरा ध्यान दे रहे थे, सारा सामान हटा रहे थे। एक्चुअली मराठी सीरियल की एक सेलिब्रिटी आई थी रेशमा जी करके, अनु जी ने बुलाया था। अनु जी को तो आप जानते हैं, हर सीरियल में, शक्ति सीरियल में हर जगह पे अनु जी हैं, उनकी टीम है, राखी, ये सब लोग आए थे कल। मुकुंद, ये सब मुकुंद करके है, और मुकुंद माधवन, ये सब जो मतलब कहते हैं ना क्राइम ब्रांच सीरियल आता है ना, उसमें क्राइम पेट्रोल, उसमें भी थोड़े बहुत छोटे मोटे रोल करते, वो सब आए थे कल, सब ने बहुत इन्जॉय किया। बल्कि वो लोग जो मराठी सीरियल वाले थे वो भी मुझे कह रही थी, अन्नू जी तो मुझ पर फिदाई हो गई थी कल, बार बार कह रही थी विद्या जी आप बहुत सुंदर लग रही, बहुत सुंदर लग रही, पूरी नथ में लग रही है। बार बार केशव के पापा को बोल रही थी कि देख कितनी मस्त लग रही है ना, ऐसा ऐसा। वो भी बहुत खुश थे, वो तो बोल ही रहे थे क्या ये हमेशा से अच्छी दिखती है, इसको तो कुछ भी पहना दो, तो कहते ना जो कभी कभी अच्छा दिखे उसको अच्छा बोला जाता है, जो रोज़ अच्छा दिखता है उसके लिए कुछ नहीं, मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था। मेरा ध्यान दे रहे थे, जिस तरह से वो नाच रहे थे, जिस तरह से बार बार मेरे पास आ रहे थे, उस तरह से जो मराठी सीरियल के लोग आए थे वो एक ही बात कर रहे थे अनु जी को कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नई नई शादी हुई है और ये पहला बच्चा है इनका, इतना मतलब वो इतना आदमी केयर दिखा रहा है, कितना प्यार है दोनों में। क्योंकि तो बोले हाँ ये दोनों में बहुत प्यार है, बोलते नहीं वो दिख रहा है, देखो ना कितना अच्छा वो कर रहे हैं। और उसने ये भी कहा कि एक होता है ना कि आज की शाम अच्छी गुजरी, तो कल सारे मेहमान वैसे बोल रहे थे। और थैंक यू सो मच केशव के पप्पा का बहुत बड़ा वाला कि कल इतना मुझे मान सम्मान लोगों के सामने देने के लिए। वो थोड़े से कभी कभी चिढ़ते हैं कि ऐसा वीडियो मत डाला करो, लेकिन मैं उनको ये सिखाऊंगी, यही बताऊंगी कि पूरी दुनिया जानती है कि आप मेरे पास हो, मेरे पास आते हो, मेरे पास बैठते हो, तो अगर YouTube पे वीडियो और फोटो जाती तो उससे चिढ़ना और डरना नहीं चाहिए। क्यों, ये कोई बात ही नहीं, सब जानते हैं। कल देखो, कल अब इतने मेहमान थे, अभी वो जो मेरे पास विभाग गायक करके, तो विभाग गायक ने तो पूरा फेसबुक पे लाइव डाला है उसने वीडियो डाल, मतलब वो तो अपना गाने का डाल रही थी, उसने जो गाना गाया था उस गाने में सब आए। तो मैं केशव के पापा को भी यही कहूँगी कि ये नहीं, बिल्ली बन के मत जियो, शेर बन के जियो। बिल्ली के ऐसे आँख बन कर के दूध पीती, उसको लगता कोई कोई देख नहीं रहा, ये मत सोचो। पूरी दुनिया जानती है, तुम्हारा घर, मेरा घर, सब जानते कि आप यहाँ हो, अच्छे से आ रहे हो, बैठ रहे हो, तो इसमें शर्म क्या है। अगर यूट्यूब पे वीडियो जाती भी है, फोटो जाती भी है, आपको इतना माइंड नहीं करना चाहिए। देखने तो जो देखते हैं सबको पता है ना, अगर आप ये सोचो कि कोई देखेगा क्या सोचेगा, अरे सबको पता है क्या सोचेगा क्या। अरे अपनी बीवी के घर पे हो, अपने बच्चों के साथ हो, अपने घर में हो, आपके घर में गणपति बैठी है, आप इंजॉय कर रहे हो, छोड़ो ना दुनिया क्या है, दुनिया का तो काम ही है कहना, कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इतना सोचोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई आता नहीं हमारे काम, दुनिया सिर्फ बातें बनाने आती है, हमें अपना देखना चाहिए। तो बस इसी बात पे है। और हाँ, तरीका ये है कि जिनके घर में पैसे नहीं टिकते, वो नहीं टिकते, तो पहले तो देखो शक्तियाँ ही सब कुछ कर सकती है, किसी का पैसा डूबा हुआ ला सकती है। कितने लोग क्या बोलते, एक जन क्या बोला, मुझे मारण क्रिया आपसे ही करवाना है। भाई मैं पहले बोलती हूँ, मैं मारण क्रिया नहीं करती हूँ मुझे मेरे दुश्मन को बराबर करने आता है। जिसको मारण क्रिया करना है, जो करना है, शक्तियाँ ही करके देंगी। आप सोचोगे कि विद्या देवी को फंसा लो, बोलो तो ये बातों में तो मैं आने वाली हूँ नहीं, मुझे जिसकी बैंड बजानी हम बराबर बजाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा थैंक यू स्वाति, स्नेहलता, हाजिता, इन तीनों ने कल बराबर कमान पकड़ी थी। क्योंकि हमारे ग्रुप में है, एक है टिकली वाली औरत है, और एक दो जन, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा है रे रोड से भी है एक दो जन, और एक है हमारे महाशय काका, जो भी हैं ये लोग ना जानबूझ के, इन लोग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी हम आईनी अमलियत में देखते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ तो जाता ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग हमारे पे बराबर ध्यान देते हैं। क्या चाहते हैं मालूम नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे घर पे, मेरे पे पूरा ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ होने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये बात है कि कल से हाजिदा, स्वाति, तीनों लोग सुबह से लग गए थे कि माँ आपका प्रोग्राम तो बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन जो लोग आपका प्रोग्राम बिगाड़ने की कोशिश करें उनकी बैंड ज़रूर बजाएंगे। तो मैं बोलती हूँ थोड़ा सा दिमाग लाओ, क्यों पीछे पड़ रहे हो, अपना काम करो। जैसे मेरे घर में बच्चे, से तुम्हारे भी घर में छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है, क्यों अपनी चक्कर में, अपने ईगो में, अपने घर का हरकत में, अपने घर के लोगों को प्रॉब्लम डाल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो, जब नादेली पढ़ते ना, नादेली की ताकत एक वही जान सकता है जो ये विर्ज किया है। 24 घंटा नादेली चालू है, सुल्तान जिन खड़ा है, पता है वो क्या करता है। सुल्तान जिन ने परसों 5 लोगों का एक्सीडेंट करवाया है, किसी को बाइक से गिरा है, किसी को साइकिल से गिरा है, कोई रिक्शे से गिरा है, किसी की हालत ख़राब है, ऐसे। मैं यही बोल रही हूँ, मेरे और मेरे केशों के पीछे मत पड़ो, अपना काम में ध्यान दो।
मुझ पे ध्यान दोगे तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे ग्रुप का हो, चाहे बाहर का, मैं सबको ये बोल रही हूँ। क्योंकि सुल्तान जी ने एक ऐसा जीन एक्टिव होकर आया ना कि मुझे किसी जिन्नात की ज़रूरत नहीं है। ये वन मैन शो अकेला काफ़ी है सबकी, बैंड बजाने में, सब कुछ करने में। तो मैं एक ही बोलूँगी यूट्यूब के ज़रिए, हमारा आप लोग से कोई मतलब नहीं है। तब अपनी ज़िंदगी में खुश रहो ना खा पी के, यार मेरी ज़िंदगी में क्यों दखल दे रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी दो दिन थोड़े दिन पहले ही मैं बताई ना, जिससे मेरा तलाक हो गया था वो भी मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहा था, मेरे बच्चों को भड़का रहा था, फिर से घर में घुसने की कोशिश करने को देख रहा था किसी के बोलने पे। हमने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट उसको नोटिस भेज दिया है। मेरा वकील परसों पूछो केशव के पापा के सामने आया, मैंने वकील के नोटिस पे साइन किया और भेज दिया है। यहाँ तक कि अब तक मैं जो नहीं चाहती थी वो अब तक मैंने उसको बोला था कि मैं पीछे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। अब मैंने उसको बाकायदा नोटिस भेजा है और नोटिस में ये तक डाला है, क्यों, जब मुझे नशा दिया जा रहा था ना, आरिफ शेख तो बहुत बाद में आया, उसके पहले भी जब मुझे नशा दिया जा रहा था ना, जो लोग दे रहे थे वो देख रहा था, उसको मालूम था नशा ले रहे, सब ले रहे, वो देखते हुए भी उसने कभी किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसके सामने जो जो लोग दे रहे थे ना, उनमें से किसी पे उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो चाहता तो पुलिस स्टेशन जा सकता था, ऑब्जेक्शन उठा सकता था, नहीं उठाया। ये सबसे बड़ा ब्लेम हम लोग ने उस पर डाला है। वो जितनी होशियारी चोतता है ना, उसकी होशियारी सब उसकी गांड में डाली है मैंने। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, मैंने क्या कहा, मेरे अंदर घुसोगे ना मैं पूरी अंदर घुस जाऊंगी, ये बात है। मैंने उसके नाम पे नोटिस भेज दिया, वो पहले वो कंप्लेंट गया है पुलिस स्टेशन में, अब वो जाएगा उसके घर पे नोटिस। कि ये बात उस पर भी दावा होता है कि सबका छोड़ो, आप तो घर में थे ना, आपकी बीवी ये सब ले रही थी, आपको नहीं हुआ कि उसको बिहाव सेंटर में भर्ती करवा दो, आपको नहीं हुआ कि पुलिस में जाके कंप्लेंट करोगे, देखो ये लोग मेरे घर में काम कर रहे, ये लोग मेरे औरत को बर्बाद कर रहे, नहीं हुआ आपको ये सब करने। ये ब्लेम उस पर जा रहा है, क्योंकि और क्यों नहीं कर रहा था वो, क्योंकि वो खुद लोगों से मिला हुआ था, वो खुद लोगों को बोलता था कि घर पे जाके झगड़ा करो, मारी मारा करो, फिर मैं पीछे आऊँगा। और वो जिसके ऊपर उड़ रहा था उसकी भी वो क्या कहेगी, वो आएगी बचाने को, जिसके ऊपर उड़ रहा था वो आएगी क्या बचाने को, वो पहले खुद को तो बचा ले। मतलब ये बात है कि हम किसी के लाइफ में नहीं बोलते, नहीं हमारी लाइफ में सब बोलते हैं। तो ये सबकी बैंड बजने वाली है और बहुत बुरी तरह बजेगी। कहते हैं गेहूँ के साथ घुन, जो जो इस गलत काम में साथ दिए ना, गेहूँ के साथ घुन पिसने वाला है। ऐसे ऐसे लोग मरेंगे ना, जो सोचने वाली बात है। मैं बता रही हूँ, जिस दिन आरिफ शेख का भी समन ऑर्डर निकल चुका है, अब तो 3 तारीख पे आया नहीं, अब समन ऑर्डर निकला है, वो अरेस्ट होने वाला है। जिस दिन वो अरेस्ट होगा ना, तो जितने लोगों का नाम मैंने बहुत बार यूट्यूब पे लिया है ना, मैडम माया या जो भी, माया मैडम भी सोचने की मैं बच गई हूँ, विद्या देवी का ध्यान नहीं, हमने ध्यान हटाया नहीं है, हमने सिर्फ तुम्हारा नाम लेना बंद किया है, तुम्हारे में पूरी नज़र है। तुम तो सबसे पहले कुत्ते के जैसे मार खाओगी, तुम देखना क्या तुम्हारा हाल होगा। क्योंकि तुम लोगों ने गलत किया है, मुझे सब ब्लेम देते हैं कि गलत कर रही हो, मेरे साथ ऑलमोस्ट गलत हो चुका है, तो मैं उस चीज़ को सुधार रही हूँ। सोचो मेरी गिनती सुशांत सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला में नहीं आई है, लेकिन आप देख रहे हो जरा सा मर्डर में सुशांत सिंह के सारे लोगों को कर दिया है। लेकिन जिस दिन मेरा अभी होगा ना, उस दिन सबकी बैंड बजेगी। मैं तो आरिफ शेख को सीधा बोलती हूँ, अगर अपने आप को बचाना चाहता है, अभी भी तेरे पास मौका है, तू मर रहा है, बीमार है बुरी तरह से, तू आगे सबका नाम बोल दे जो भी तेरे साथ मिले। क्योंकि मुझे मालूम है तू ऐसे नहीं आया था, तुझे हायर किया गया था, तूने मुझे और केशव के पापा को बर्बाद करने में जो कुछ किया, तू वो बात तू बता पुलिस स्टेशन में आके जो हम जानते हैं। ये मैडम माया के बारे में बता कि तूने कितनी बार उसको फ़ोन करके हिंट दिया था कि तुम्हारा पति बिगड़ रहा है, तुम्हारा पति मेरी बहन के पीछे पड़ा है, मेरी बहन को बर्बाद करने को देख रहा है, तो भी उसने नहीं सुना। ये सारी बात आके बता तो ही तू बचेगा, नहीं तो सब तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे, तू मर रहा है फालतू में। तो तू क्यों मर रहा है, जब तेरे को तुझे तो कोई बचाने नहीं आ रहा है, तो तू सबको क्यों बचा रहा है। तू ले ना सबको आटे में, सबकी बैंड बजा दे, जब तेरा किसी ने नहीं सोचा तो तू किसी का क्यों सोच रहा है। तू आ बिंदा सा सबकी बैंड बजा, सबका नाम बता कि इन सबको मैंने बोला था, किसी ने मेरी सुनी नहीं, सब ने मेरा साथ दिया। जिसने जिसने तेरा साथ दिया ना, लेके जाना सबको अपने साथ जेल में, अकेले क्यों जा रहा है, सबको लेके जा, चाहे मेरे घर के काम वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे कोई भी हो, मेरा जो मेरा एक्स पति हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड जो भी तेरे साथ मिले हुए थे, सबका नंबर दे, सबको लेके जा अंदर। बोलिए सब मेरे साथ मिले हुए थे, सबको सबको अंदर लेके जा। किसने बोला था मुझे और केशव के पापा को बर्बाद करने के लिए, क्यों, प्रदीप तो तेरा दोस्त था ना, उसने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने उसको भी बर्बाद किया लोगों के बोलने पे। तो तू बचना चाहता है तो सबको लेके जा, चाहे मेरा पति हो, चाहे प्रदीप की बीवी हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे घर में काम करने वाले हो, जो भी हो, तू जिसको भी जानता है, एनीथिंग जिसको भी जानता है, सबका तू नाम ले, मैं चाहती हूँ। तो तू बच जाएगा, मैं तुझे खुला बोलती हूँ, मैं खुद तुझे माँ, क्योंकि मैं ही हूँ
जो तुम लोग को बचा सकती हूँ, और मैं ही हूँ तो तुम्हारा बिगाड़ सकती हूँ। तो बचना है तो मैदान में आ जाओ, मरना है तो देख तू अकेले मरेगा। 25 लाख का मानहानि तुझे देना पड़ेगा, तूने तो लोगों को सुन के मेरे पे नाम डाल दिया, क्योंकि 25 लाख का मानहानि तुझे देना पड़ेगा। तो तू क्यों दे रहा है, तू सबको ले ना आटे में, सबको घसीट, अकेले क्यों जा रहा है, जा पुलिस स्टेशन, तेरी तो अच्छी खासी पहचान है, जा मेरा वकील तेरे को खुद तेरा प्रशांत झवर तेरा साथ देगा, जा तू बस जाके सबके सामने सबूत दे दे कि ये सब लोग मेरे साथ उस वक्त मिले हुए थे, ए टू जेड सबका नाम दे दे, कोई भी हो किसी को छोड़ मत, तू क्यों अकेले सजा ले रहा है, दे ना सबको साथ साथ 8-8 साल की सजा, जरा सबको भी तो पता चले जेल का खाना कैसा होता है, तभी तू बचेगा, नहीं तो तेरा मारण क्रिया पक्का है, ये पक्का है। उसके बाद जिसने साथ दिया है उसका तो मैं ऑलरेडी हाल कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कानून की जरा सजा मिले। सोच सब मजे कर रहे हैं अपने घर में बैठ के और तू सजा भुगत रहा है, क्या फ़ायदा तुझे, मैं तुझे उकसा रही हूँ, सच में मैं तुझे भड़का रही हूँ, तेरे अंदर के आदमी को जगा रही हूँ, मेरे तेरे अंदर औरत जाके बैठ गई है, तू खुद ही भुगत रहा है सारा दुख, क्यों भुगत रहा है, जो जो तेरा साथ दिए इस पाप में सबको लेके जाना अंदर, ले क्यों तू अकेले कर रहा है, साथ दिया ना, चल तेरे ही कहने पे साथ दिया, लेकिन दिया ना साथ, एक वेल सेट बिजनेसमैन औरत को बर्बाद करने में तेरा साथ दिया ना, तो तू सबको बख्श क्यों रहा है, ले ना बिंदास है समन ऑर्डर पे है और सबका नाम ले ले, मैं विद्या रेवी वादा कर दूँ पूरे यूट्यूब पे मैं तुझे बचाऊंगी, बस बात खत्म। और दूसरा ये जो मैं तरीका बता रही हूँ यही है कि कल गुरुवार का दिन है, कल आप 9 दीपक जलाइए, 9 दीपक में 9 दीपक देसी घी का जलाइए लक्ष्मी जी के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने, क्योंकि गणपति बप्पा बैठे, माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाइए और उसमें केसर शहद शक्कर सब डाल के 9 दीपक जलाइए ऐसा, और जला के घर के चारों तरफ में जगमग कीजिए, वो दीपक 12 बजे तक जलना चाहिए, आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी और सब कुछ आपका अच्छा होगा, ये मेरा वादा है, देखिएगा आपको ये काम जरूर आएगा, ये टोटका 100% काम आएगा। और उसके बाद एक छोटा अगर गुरु आ रहे छोटा सा खीर बना के, थोड़ा सा चावल का खीर बना के किसी नौकन्या को भोग लगा दीजिए, आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी, बस यही एक छोटा सा टोटका है। देखो टोटके के जरिए मेरा बताना ज़रूरी था, लेकिन यही बात है कि मैं चाहती हूँ कि सच सामने आए, क्योंकि मैं नहीं, देखो मैं आप लोगों का काम है बचाना, ये नशे की दुनिया बहुत ख़राब होती है, अगर आप लोगों के भी एरिया में कहीं पे ये सब हो रहा है प्लीज़ रोकिए, नहीं तो ऐसे सुशांत सिंह सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग मरते रहेंगे और विद्या देवी जैसी औरतें कुत्ते के साथ भौंकती रहेंगी, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। मैं अपने प्रशांत जवारे वकील को बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ, उसने मुझे ये बात सिखाई कि मैडम आप किसी के मुँह नहीं लगने का, किसी को उल्टा नहीं बोलने का, जब आपको कोई भी आपके घर तक अगर आपके दरवाजे तक आकर किसी ने झगड़ा किया एनीथिंग, कोई भी हो आपका खुद का पति हो जो तलाक लिया, कोई भी हो अगर आपके घर तक आके झगड़ा करता है आप उसको वहाँ कुछ मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, सारा काम मुझको छोड़िए, उनकी बैंड कैसे और कब बजानी हो मैं देखूँगा, बस ये बात है, क्योंकि मैं किसी के घर जा नहीं रही हूँ, मैं किसी को उल्टा बोल नहीं रही हूँ, मैं किसी का नाम ले नहीं रही हूँ, जो कर रहे सबने मेरे साथ किया है, तो देख लेना सज़ा तो सबको मिलनी चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगी तो ज़रूर, और ये बात पक्की है, या तो तुम लोग सज़ा भुगतो 7 साल की, या तो ऊपर का टिकट कटाओ, दो ही बात है बाकी कुछ नहीं, ये बात पक्की है, और ये आना ही है, हमारे कहावत है यूपी में सांच को आँच नहीं, तो जिसने जो किया है वो तो भुगतेगा, कब तक बचेगा, बकरी की माँ कब तक खैर मचाएगी, कभी ना कभी तो कटेगी। तो देखो क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, पहले मैं अकेले पूजा करती थी, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हाजिदा है, स्वाति है, स्नेहलता है, और भी 15 जन का ग्रुप है, और 4-5 जो मेरे खास है ना उनका नाम मैं कभी लूँगी भी नहीं यूट्यूब पर, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं ना वो तो कोई नहीं कर सकता, वो तो पिक्चर का क्लाइमेक्स एकदम सामने आएगा, बस। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें बिल्कुल ना भूलें, और जलने वालों के लिए जलते रहो मरते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जय माता दी।